हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मैन फ्रॉम द बीट। वेल दोस्तों, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है अरेस्ट मनमोहन दत्ता। जी हाँ, मनमोहन दत्ता एक्ट्रेस जो है वो तारक मेहता की उल्टा चश्मा की भाभी जी हैं। जी हाँ, आप सबको पता होगा बबीता भाभी, उनको अरेस्ट करने की बात चल रही है। लेकिन आखिरकार क्यों, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। जी हाँ, हाल ही में जो है मनमोहन दत्ता ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पर उन्होंने एक कमेंट कर दिया था। वीडियो में उन्होंने कहा था भंगी, और वो भंगी वर्ड की वजह से जो है लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उन लोगों ने उनको वही कहा कि वो मजाक बना रही हैं, ऐसे सब जो है कमेंट्स पास करके वो हेट फैला रही हैं, भंगी किसी को भी कहना ही गलत है। वेल, बट उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी। उन्होंने ट्विटर पे एक माफ़ीनामा पोस्ट किया जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था बट वो मिसलीडिंग था और उनको नहीं पता था उसका मतलब क्या होता है वो वर्ड का। इनफैक्ट उन्होंने वो वर्ड यूज़ भी नहीं किया अपने जो है माफ़ीनामे में, और उन्होंने उसमें मेंशन किया कि वो जो है किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड और जो है जाति पाति ये सब होता है, इन सबको वो हर्ट नहीं करना चाहती। एंड इनफैक्ट उन्होंने वो अनइंटेंशनली बना दिया था और उनको उसका मतलब भी नहीं पता था। जब उन्होंने कहा कि वो लैंग्वेज बैरियर था और इसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं, फिर भी अभी तक लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं और अभी तक ये ट्रेंड कंटिन्यूसली ट्विटर पर चल रहा है अरेस्ट मनमोहन दत्ता। वेल, अब वो देखना ये होगा कि उनके माफ़ी मांगने के बाद भी क्या लोग उनको माफ़ करेंगे या नहीं। वेल, लेकिन उन्होंने अपना जो है क्लियर कट उन्होंने अपने माफ़ीनामे में पूरा उन्होंने डिटेल दिया है कि ये वीडियो उन्होंने कल पोस्ट की थी और तब से जो है बवाल हो गया। इनफैक्ट उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी कर दिया जब उनको पता चला कि उन्होंने कुछ रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया है। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके, कि क्या ये कोई प्रमोशनल स्टंट लग रहा है आपको कि ऐसे वक्त में जो है थोड़ा लाइमलाइट बटोरने के लिए, या ये सच में उन्होंने किया और जो लोग क्या कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पर यूजुअली तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी कोई भी बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, और स्पेशली रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू हो या कास्ट हो, कलर हो, क्रीड, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। बिकॉज हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और हम यही मानते हैं कि हर जात, हर लोग, हर जो है इंसान वो इक्वल है। सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इसके ऊपर क्या कहना है, क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये जो चीज़ें हो रही है ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई उन्होंने ये किया है, और साथ ही में आपको इसके ऊपर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और सारे ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।